अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व की सबसे बेहतरीन क्रिकेट टीम मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे, इस समय विराट कोहली और रोहित शर्मा में थोड़ी बहस चल रही है। जब से दोनों में तकरार आ गई है, इन दोनों खिलाड़ियों के झगड़े को देखते हुए साउथ अफ्रीका प्लेयर्स ने इनका मजाक उड़ाया है। उन्होंने क्या कहा है, क्या है पूरा मामला, आइए आगे हम आपको वीडियो बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही साथ नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम में वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम की काया पलट दी है। दोस्तों, हाल ही में भारत ने न्यूजीलैंड को 1-0 से करारी शिकस्त दी है, जिसके बाद भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका दौरे के लिए जाना था। साउथ अफ्रीका दौरा 10 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। इसका कारण कोरोना का खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट है। इसका प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। उसके कारण पहले 3 मैचों की टेस्ट सीरीज और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलने के लिए भारत को साउथ अफ्रीका के लिए 17 तारीख से मैच खेलना था, जो कि अब 26 तारीख से खेला जाएगा। भारतीय टीम इस मुंबई में क्वारंटीन है और वहां पूरी टीम अभ्यास कर रही है और भारतीय टीम 16 दिसंबर को साउथ अफ्रीका के लिए निकल जाएगी। लेकिन हाल ही में खबर आई है कि विराट कोहली अभी तक टीम से नहीं जुड़े हैं और रोहित शर्मा अभ्यास करते समय चोटिल हो गए हैं, जिसके कारण वो टेस्ट और वनडे सीरीज से बाहर हो चुके हैं। इसके बाद विराट कोहली ने भी एक बयान दे दिया। विराट कोहली ने कहा कि मैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैचों में नहीं खेलूंगा, जिससे रोहित और कोहली के बीच में तकरार और भी ज्यादा बढ़ गई है। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में तकरार का कारण कप्तानी को लेकर है। बीसीसीआई ने विराट कोहली को T20 और वनडे की कप्तानी से हटाकर रोहित शर्मा को कप्तान बनाया है, जिसके बाद विराट कोहली नाखुश हैं और उन्होंने वनडे मैच में खेलने से मना कर दिया है, जिससे टीम को भारी नुकसान पहुंच सकता है। वनडे मैचों में टीम की कमान अब भारतीय टीम के उप कप्तान केएल राहुल संभालेंगे। दोस्तों, इसी बीच साउथ अफ्रीका के दिग्गजों ने भारतीय टीम का मजाक उड़ाया है। साउथ अफ्रीका के दिग्गजों ने क्या कहा, आइए हम आपको आगे वीडियो बताएंगे। साउथ अफ्रीका के डेकॉक ने कहा है कि जिस तरीके से रोहित शर्मा और विराट कोहली का झगड़ा हुआ पड़ा है, मुझे नहीं लगता इस कारण से भारतीय टीम इस दौर में बढ़िया प्रदर्शन कर पाएगी। रबाडा ने कहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जिस तरीके से झगड़ा कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई दो बच्चे झगड़ रहे हों। इन दोनों को अपनी सीनियरिटी का लिहाज नहीं है। इनके झगड़े से साउथ अफ्रीका टीम को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि भारतीय टीम का मनोबल नीचे होगा और साउथ अफ्रीका की टीम का मनोबल काफी ऊंचा होगा। हाशिम अमला ने कहा है कि विराट कोहली जिस तरीके से झगड़ा कर रहे हैं, उनके नेचर पर बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगा। मैं दोनों खिलाड़ियों से कहूंगा कि जल्दी से अपना झगड़ा निपटाएं और अपने देश के लिए खेलें। साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स ने कहा है कि विराट कोहली मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, तो वहीं रोहित शर्मा भी मेरे करीबी दोस्त हैं। मुझे नहीं लगता आप दोनों प्लेयर से इस तरीके से झगड़ा कर रहे हैं। आपको अपनी सीनियरिटी की थोड़ी सी तो परवाह होनी चाहिए। आपको अपने लिए क्रिकेट खेलना है या फिर अपने देश के लिए, ये आपको तय करना है। लेकिन इससे साउथ अफ्रीका की टीम को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि जिस टीम में विद्रोह चलता है वो टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती। जैसा कि भारतीय टीम में इस समय विद्रोह चल रहा है, इसमें प्रदर्शन की उम्मीद बहुत कम है। दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा इसी तरीके से लड़ते रहेंगे तो भारतीय टीम किस स्तर पर पहुंच जाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को।